हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्रेड फोर का चैप्टर नंबर 11, अंडमान निकोबार। ठीक है, भारत के दक्षिण पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है, जिसमें एक द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। इस पाठ में भारत के इसी केंद्र शासित प्रदेश की एक झलक दिखलाई गई है। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। पापा, क्या इस बार भी सारी छुट्टियां घर पर ही बीतेंगी? अर्णव ने मुंह फुलाकर कहा। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है इस पार्ट में आपके जितना, वो अपने पापा से बोल रहा है छुट्टी आने पर कि पापा, क्या इस बार भी घर पर ही हम सारी छुट्टियां बिता देंगे? अर्णव, पापा को समय मिलेगा तो ज़रूर लेके जाएंगे। ठीक है, उसकी माँ ने थोड़ा बोला कि अर्णव, अगर पापा को छुट्टियाँ मिल जाएगी तो आपको ज़रूर लेके जाएंगे, तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, माँ ने अर्णव को समझाया। ठीक है, नहीं अर्णव, इस बार मैं 20-25 दिनों का समय तुम्हारे लिए अवश्य निकालूँगा। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जो हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी अलग थलग है। ठीक है, हाँ, और पापा ने मुस्कुराकर कहा। पापा, प्लीज़ पहेलियाँ मत बुझाइए, बताइए ना आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। इसके लिए तुम्हें शाम तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। यह कहकर पापा मुस्कुराते हुए ऑफिस चले गए। ठीक है, अर्णव ने जानने की कोशिश की कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, किस तरह से जाने वाले हैं, लेकिन पापा ने कुछ नहीं बताया और बोला कि शाम तक वेट करो। शाम को जब पापा ऑफिस से घर पे आए तो उनके हाथ में 3 हवाई टिकटें थी। पापा, ये कहाँ की टिकटें हैं? अर्णव की आवाज़ में खुशी और जिज्ञासा दोनों थी। खुद ही देख लो, पापा ने टिकटें उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। अर्णव ने पढ़ा, अंडमान निकोबार। पापा, ये कैसी जगह है? यहाँ देखने के लिए क्या होगा? अर्णव, तुमने काला पानी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। यह नाम अंडमान निकोबार को दिया गया है, लेकिन यहाँ पानी का रंग काला नहीं है। चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर समुद्र होने के कारण अंग्रेज़ इस टापू पर स्वतंत्रता संग्राम के बंदियों को भेज देते थे ताकि उन पर मनमाने अत्याचार किए जा सके। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी जेल बनाई जिसका नाम सेलुलर जेल रखा गया। उम्र कैद पाने वाले लोग इसे काला पानी की सजा कहते थे। ठीक है, वीर सावरकर, बलवंत फड़के, आशुतोष लाहिरी जैसे क्रांतिकारियों का इस जेल में बड़ी यातनाएं दी गई है। अनेक क्रांतिकारी यहाँ शहीद हुए थे। पापा की बात सुनकर अर्णव अंडमान निकोबार को देखने और जानने के लिए उत्सुक हो गया। रात में उसने इंटरनेट से अंडमान निकोबार के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर ली। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 500 से अधिक छोटे छोटे द्वीप समूह है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। बांग्ला यहाँ की प्रमुख भाषा है। वैसे वहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु और मलयालम भाषा भी बोली जाती है। निश्चित दिन अर्णव और उसके माता पिता दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहुंच गए। नई दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक पहुंचने में उन्हें लगभग 5 घंटे लगे। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर पापा के एक दोस्त उन्हें लेने के लिए आए थे। गाड़ी से गेस्ट हाउस तक के रास्ते में अर्णव ने देखा कि वहाँ छोटे छोटे पहाड़ थे। 8 महीने वर्षा होने के कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी।
रास्ते में अंकल ने अंडमान निकोबार के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि राजधानी होने के कारण पोर्ट ब्लेयर में बसे कारें और जीपें दिखाई देती है, लेकिन यहाँ अनेक ऐसे द्वीप हैं जहाँ लोगों को साइकिल तक के दर्शन नहीं हुए हैं। पोर्ट ब्लेयर में भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोग दिखाई देते हैं, पर यहाँ के मूल निवासी शायद ही दिखाई देते हैं, ठीक है, पर यहाँ के मूल निवासी तो शायद ही दिखाई देते हैं। आदिवासी जनजातियाँ यहाँ मुख्य रूप से स्ट्रेट द्वीप में रहती है। इन जनजातियों में ओंगी, जारवा, सेंटिनली और शोम्पेन प्रमुख है। आज भी बहुत से आदिवासी छोटे छोटे द्वीपों के जंगलों में रहते हैं। ओंगी आदिवासी लिटिल अंडमान में रहते हैं। ये एक स्थान पर 15 से 20 दिनों से अधिक नहीं ठहरते। ये लोग अपने साथ 8 से 10 कुत्तों का समूह रखते हैं। कुत्ते शिकार करने में इनकी सहायता करते हैं। ये लोग तीर से मछली मार देते हैं। ओंगी कपड़े नहीं पहनते, बस जंगली पत्तों और घास आदि के रेशों को गूंथ कर छोटी सी लंगोटी पहन लेते हैं। इनके शरीर पर बहुत कम बाल होते हैं। सिर के बालों को भी ये लोग कांच के टुकड़ों से साफ कर लेते हैं। कैंची, उस्तरा, ब्लेड का ज्ञान इन्हें नहीं है। स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए अपने मुंह पर चिकनी मिट्टी लगा लेती है। अंडमान का दूसरा हिस्सा है निकोबार। इस द्वीप समूह में छोटे बड़े 62 द्वीप हैं। निकोबारी लोग का रंग गेहुआ और शरीर गठा हुआ होता है। इन्हें सुपारी खाने का बहुत शौक होता है। लड़कियां कान में लकड़ी या हाथी दांत की बनी हुई बालियां पहनती है। शादी होने तक लड़कियां सिर के बाल नहीं काटती, लेकिन शादी वाले दिन उनके बाल काट दिए जाते हैं, ठीक है। अपने बालों को वे एक संदूक में रखकर अपनी माँ के पास छोड़ देती है। यहाँ बच्चों को कुश्ती लड़ने, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने, मछली पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है। हर साल किशोर उम्र के बच्चों की नौका दौड़ भी होती है। निकोबारी खासकर शोम्पेन आदिवासी नाव बनाने और चलाने में माहिर होते हैं। खाने में ये नारियल के अलावा चावल, मछली और मांस खाते हैं। लेरम यहाँ का विशेष फल है। नदियों में मगरमच्छ को मारने के लिए भाले का प्रयोग किया जाता है। यह सारा क्षेत्र नारियल, लौंग, सुपारी, इलायची, केले और अनानास का भंडार है। यहाँ अब काजू की भी उपज होने लगी है। अंकल ने अंडमान निकोबार के बारे में इतनी सारी बातें बता दी थी कि अब यह जगह अर्णव को जानी पहचानी से लगने लगी। गेस्ट हाउस पहुंचकर वे लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। अगली सुबह अर्णव अपने माता पिता के साथ सेलुलर जेल देखने गया। यह जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैला हुआ था। इस विशाल जेल के अब केवल 3 अंश ही बचे हैं। जेल की दीवारों पर उन वीरों के नाम लिखे थे जो अंग्रेजों का जुल्म सहते सहते शहीद हो गए।
वे लोग उस संग्रहालय में भी गए जहां उन अस्त्रों को रखा गया है जिनसे अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार करते थे। इस 3 मंजिला जेल में 696 कालकोठरियाँ थी। अर्णव और उसके माता पिता ने उन वीर शहीदों को प्रणाम किया और गेस्ट हाउस वापस लौट गए। अगले दिन के अंडमान के प्रसिद्ध समुद्री तटों राधानगर बीच और रोस वस्मित द्वीप बीच पर भी गए। अर्णव को समुद्र की लहरों से खेलना बहुत अच्छा लगा। अर्णव और उसकी माँ ने समुद्र तट पर रेत का सुंदर महल भी बनाया। फिर वे पोर्ट ब्लेयर के प्रसिद्ध मंदिर वेत्रीमलाई मुरुगन मंदिर भी गए। अंडमान निकोबार की प्राकृतिक सुंदरता देखते देखते 15-20 दिन कैसे गुजर गए यह उन्हें पता ही नहीं चला। अंडमान निकोबार की यात्रा सचमुच एक यादगार यात्रा थी। चलिए यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 11 फिनिश होता है। टेक केयर, बाय बाय।